भाई इतने बुरी तरीके से बेरिंग जब भी टूटता है, जब आपके जो आयल में है बिल्कुल भी चिकनाइट नहीं रहेगी, तब जाके इस कंडीशन से। और ये एकदम भी नहीं टूटा है कि भाई इसमें एकदम से पूरा टूट के बिखर जाता है धीरे धीरे। पहले ट्रैक्टर में आवाज़ आती है, हमें भी इसका अनुमान नहीं था कि इसमें काउंटर का जो बेरिंग है वो टूटा हुआ निकलेगा, क्योंकि आवाज़ इसमें, यहाँ आवाज़ बन रही थी तो आवाज़ अंदर होती हुई ऐसा लग रहा था कि हाइड्रोलिक के नीचे का कोई पार्ट इसमें टूटा हुआ। हाँ तो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेसी ट्रैक्टर के बारे में कि इसमें आवाज़ आ रही है जब ट्रैक्टर को हम चलाते हैं गियर में, तो ये आवाज़ कर रहा है, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है ये हमें देखना है। तो ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें देखना पड़ेगा मुझे कि इसमें कहाँ से आवाज़ आ रही है। मेसी 241 है, और आवाज़ क्यों आ रही है ये भी बताएंगे, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई ये भी बताएंगे, क्या आपको सावधानी रखना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम कम आए या नहीं आए। तो ट्रैक्टर अच्छे से चल रहा था, पर ऐसा नहीं है कि आवाज़ भी एकदम से ही, एकदम से कोई आवाज़ आती है उसकी प्रॉब्लम अलग रहती है, धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती है तो उसकी प्रॉब्लम अलग रहती है। तो इसमें क्या निकलता है वो तो हमें खोलने पर ही पता पड़ेगा भाई इसमें क्या निकलता है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें जो हम इसको खोलेंगे हमारी नॉलेज के हिसाब से, तो ट्रैक्टर ओनर का तो कहना ये है कि गियर में आवाज़ कर रहा, पर हमारा ये कहना है कि इसमें गियर में प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, कोई दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम निकल सकती है। क्योंकि हमने इसको चला के देखा तो इसमें आवाज़ तो काफ़ी तेज़ आ रही है, काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो अभी स्टार्ट करके भी दिखा देंगे आप लोग को, शायद सुनाई दे जाएगी आवाज़। मैं माइक को इसको इस जगह रख देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है आवाज़। अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप लोग इसकी आवाज़ सुनना कि कैसी आवाज़ आ रही है। इसमें मतलब आवाज़ तो इसमें तेज़ी आ रही है। अभी मैंने इसको डायरेक्ट उठाया तो ट्रैक्टर बंद हो गया, मतलब फिर भी एक बार और सुना देते हैं आपको। इसमें भी आवाज़ आ रही है, सभी गियरों में आवाज़ आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इसके गियर है उन सभी गियरों में आवाज़ आ रही है। अब हम इसको रिवर्स में लेके देखेंगे। तो टॉप पे लेने में ज़्यादा हमें आवाज़ महसूस होती है, और आवाज़ रिवर्स में भी आ रही। अगर इसको फर्स्ट में चलाएंगे थोड़ा तेज रेस पे तो फर्स्ट में भी आवाज़ आती है, तीसरे में भी आवाज़ आ रही है, दूसरे में भी आ रही है, तो सभी गियरों में इसमें आवाज़ आ रही है। अब हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम इसमें चेक करेंगे, तो आप लोग इतने कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी मैकेनिक इसको देख रहा है या कभी किसी ट्रैक्टर ओनर के ये दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ। और इतने हम इसकी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मेरा तरीका क्या है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे इसका जो आयल है वो निकालेंगे, तो उसमें इसकी जो एमरी से हमें काफ़ी कुछ पता पड़ जाता है, अगर उसमें कुछ किस तरीके का बुरादा निकलता है तो उससे भी हमें नॉलेज हो जाती है कि इसमें ये चीज़ जो है प्रॉब्लम कर सकती है। तो सबसे पहले हम इसका आयल निकालेंगे और इसकी प्रॉब्लम ढूंढते हैं। इतने आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। इतना हम इसकी प्रॉब्लम निकालते हैं। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम के बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ आगे की वीडियो देखने से पहले। तो जल्दी से हम इसकी प्रॉब्लम ढूंढते हैं, इतने आप लोग वीडियो को लाइक करो। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसकी हाइड्रोलिक ओपन करी, वैसे तो हमने इसका ऑयल भी निकाला पर उसमें ज़्यादा हमें बुरादा का एहसास नहीं हुआ, तो फिर हमने इसकी हाइड्रोलिक उतारी। क्योंकि हाइड्रोलिक उतारने से इधर का भी फंक्शन का पता पड़ जाता है और इधर भी अगर कोई दिक्कत हो तो उसका भी पता पड़ जाता है। तो अभी इसमें ये निकले हैं, देखो आप अभी जो इसमें
ये छर्रा निकला है और ये इसकी जाली निकली है, तो ये आप समझ सकते हो कि ये किसमें होते हैं। दूसरी बात, हमने इसमें इस तरीके से डाल के देखा तो ये देखो आप, इसमें बेरिंग की एमरी निकल रही है, मतलब इसका बेरिंग टूट चुका है। और इधर दिखाओ, यहाँ इसकी एक लॉक भी निकली हुई है, देखो आप, दिख रही है आपको, यहाँ इसकी एक लॉक भी निकली हुई है। तो कुल मिला के इसका जो काउंटर है, काउंटर का जो बेरिंग है वो टूट चुका है, तो हम इसके यहाँ से दो पार्ट करेंगे और फिर इसका जो है गियर उतारेंगे, गियर का बेरिंग डालेंगे। तो ये इसमें बीमारी थी। अगर मुझे लगा कि आप लोगों को आगे और कुछ दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो ज़रूर बताएंगे। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे कि भाई किस वजह से इसमें जो है सभी गियरों में आवाज़ आ रही थी। सभी गियरों में आवाज़ आने की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर पिनियन का बेरिंग टूट जाता है तो उसकी वजह से भी आती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण ये निकला आज कि इसका जो काउंटर का बेरिंग है वो हमें डालना पड़ेगा। काउंटर के बेरिंग के साथ और भी कोई चीज़ ख़राब है तो वो भी डलेगी, तो इसका गियर उतरेगा पूरा। गियर उतार कर हमें इसका जो काउंटर का जो बेरिंग है वो डालना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम आवाज़ को पहचानते हैं, क्या चीज़ हमें खोलना पड़ेगी, ये हमने आज आपको बताया। काफ़ी कुछ ऑयल से भी पता पड़ जाता है। हमने इसका आगे से ऑयल नहीं निकाला, सिर्फ यहीं से निकाला, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा हम इसकी हाइड्रोलिक ओपन कर लेते हैं। हाइड्रोलिक ओपन करने से सारा कुछ इसका क्लियर हो चुका है। अगर आपके कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप इसको जो है प्रॉब्लम देख सकते हो कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है और ये हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप। हाँ, तो दोस्तों अभी हम इसका गियर खोल रहे हैं। पहली बार इसका गियर खुलेगा, तो देखो आप इसकी ये तो तार लगी हुई है कंपनी की, तो इसका जो गियर है पहली बार खुलेगा। ये हो गया इसका फर्स्ट रिवर्स जो गियर है, और ये इसका दो नंबर और तीन नंबर गियर हो गया, दो नंबर और तीन नंबर गियर है। और ये इसका जो है टॉप गियर है, ये इसका टॉप गियर कुछ इस तरीके से काम करता है। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि आखिर इसमें इतनी तेज़ आवाज़ आने की क्या प्रॉब्लम निकली है। हाँ, तो दोस्तों अभी हमने इसके यहाँ से दो पार्ट किए हैं, और आगे मैंने बताया था इसकी लॉक निकली हुई थी, तो इसका जो बेरिंग है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ निकला था। उसकी कोण भी यहाँ पसरी थी, तो वो भी हमने उसको निकाला है, और इसकी बाहर वाली कोण भी निकाल ली है, सारा इसका साफ सफाई कर ली अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसी क्या आप सावधानी रखें ताकि आपको ये दिक्कत नहीं आए। इसमें सिर्फ एक बेरिंग ही टूटा है, नुकसान तो इसमें हल्का सा और भी है, इसीलिए हमने गेट आपा उतारा है। तो इसके तीन नंबर का जो गियर है वो भी थोड़ा सा दागी हो रहा था, वो तो अभी तो चल जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है आप, हाँ, तो आप इसमें जब भी ऑयल कम पड़ता है तो आप दुकानदार से बोलते हो कि ऑयल दे दो, तो सस्ता वाला ऑयल उठा के आपको दे देता है और आप इसमें डाल देते हो। आप ये सोचते हो कि हमें सिर्फ इस पर हाइड्रोलिक ही तो टोकना है, तो ऐसा नहीं है। हाइड्रोलिक के अलावा ऐसे बहुत सारे इसमें सामान हैं जो, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना पड़ेगी। तो कोशिश ये करें कि इसमें ऑयल आप अच्छे से अच्छा डालें और टाइम से टाइम इसको जो है चेंज करवा लें। उससे क्या होगा, आपके जो ऐसी प्रॉब्लम है नहीं आएगी। अब इधर ले आओ, सामान क्या क्या डालेंगे, एक तो इसका लॉक किट है मेसी का, उसमें से एक दो लॉक के काम आएगी। एक इसका एक बेरिंग मंगाया हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जेन्यन महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, 62010 का बेरिंग है। एनआर का मतलब ये होता है कि इसमें बीच में यह कट होता है, तो इसमें हम लॉक लगाना पड़ेगी। और कुछ इसके पैकिंग वगैरह है, बाकी इसमें और कुछ हमें डालना नहीं है। और एक इसकी लॉक डलेगी, ये दोनों लॉक तो डलना ही है भाई। इतने बुरी तरीके से बेरिंग जब भी टूटता है, जब आपके जो ऑयल में है बिल्कुल भी चिकनाइट नहीं रहेगी, तब जाके इस कंडीशन से। और ये एकदम भी नहीं टूटा है कि भाई इसमें एकदम से पूरा टूट के बिखर जाता है, धीरे धीरे पहले ट्रैक्टर में आवाज़ आती है। हमें भी इसका अनुमान नहीं था कि इसमें काउंटर का जो बेरिंग है वो टूटा हुआ निकलेगा, क्योंकि आवाज़ इसमें यहाँ आवाज़ बन रही थी, तो आवाज़ अंदर होती हुई ऐसा लग रहा था कि हाइड्रोलिक के नीचे का कोई पार्ट इसमें
टूटा हुआ था, मुझे भी एक आइडिया नहीं था। पर सबसे पहले हमने तरीका यही करा कि हाइड्रोलिक इसकी उतारी, तो उससे हमें इसकी पूरी जानकारी मिल गई। तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले जब आपके कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले तो हमें इसका जो है दोनों कोक खोल के ऑयल निकालना है। जब हमने इसका आगे से ऑयल निकाला तो हमें उसमें थोड़े बहुत उसकी एमरी आई कोक में लग के, तो ऐसे हमें पता पड़ जाता है कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमें इसकी जो हाइड्रोलिक का ऑयल निकाल लेना है, या फिर टायर पे जेक चढ़ा के इसको घुमा के देख सकते हो। बहुत सारी बातें हैं, फिर भी अगर दिक्कत हो तो फिर इसकी कपलिंग अलग करके और इसको टायर को घुमा के देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इसमें आवाज़ की ये वजह निकली है। तो अब इसको फिटिंग कर देते हैं, फिर कभी जब जॉब आएगा कि इसका पूरा ओपन करके इसको कैसे फिटिंग करते हैं तो वो दूसरे जॉब में बताएं। कभी जॉब आएगा तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नहीं चला के देख लो एक बार।